वक्त बड़ी खबर आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई। आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। आपको याद होगा कि 18 मार्च को भी अपना हुलिया बदलकर वो फरार हुआ था। पुलिस को चकमा देने के लिए वो रात में सफर कर रहा है और सिर्फ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है। उसके साथ उसके दो गुर्गे मौजूद हैं जिसमें पप्पल प्रीत सिंह भी शामिल है। बताया जाता है कि पप्पल प्रीत सिंह का पाकिस्तान में अच्छा नेटवर्क है। अमृतपाल सिंह अपनी फौज तैयार कर रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, एसआई के साथ उसके रिश्ते थे। तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है। आज कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट भी किया। दूसरी ओर अकाली दल को इस बात से नाराजगी है कि अमृतपाल पर एनएसए क्यों लगाया गया है।